वो बताओ क्या हुआ? भैया वो ना 3 दिन से गायब है, हमें मिल नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो, 3 दिन से गायब है? हाँ भैया सही बात कर रहे हो, 3 दिन से गायब है, हमें मिल नहीं रहे। और उनके जो सबसे अच्छे दोस्त है ना, माइकल भैया और ट्रेवर भैया, उनका नंबर भी नहीं हमारे पास। क्या बात कर रहे हो, माइकल और ट्रेवर का नंबर तो मेरे पास है। क्या बात करी सच में, क्या बात करी सच में? हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ सच में। प्लीज आप उन्हें फोन करके बोल दो ना। अरे बच्चों चिंता मत करो, इतनी टेंशन नहीं लेते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, मैं अभी बात कर दूँ माइकल और ड्राइवर से। शिनचैन बोला ना भाई, जा यहाँ से। ठीक है भैया जाता हूँ मैं। अच्छा तो यानी शिनचैन को सब पता चल गया है, अब तो मैं बॉस को सब कुछ बताऊंगा। बॉस बॉस मैं मर जाऊंगा। हाँ तुझे मार नहीं तो चाहता हूँ मैं, तेरे वजह से शिनचैन को अब सब कुछ पता चल गया है। बॉस बॉस मुझे एक मौका दो, बस मुझे एक मौका दे दो। अरे यार इसने तो पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया, अब क्या करूंगा मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बोलना चाहते हो ना कि आप जाकर उससे कह दोगे कि शिनचैन इंग्लैंड को अभी भी प्यार नहीं करता है, यानी कि वो टोनी से ही प्यार करता है और टोनी फिर इसे मारेगा नहीं, यही ना? हाँ हाँ एकदम सही। पेंगुइन बेको ने बहुत ज्यादा खून आ रखे, उन्हें सही कर दो। देखो मैं चाहता तो हूँ उसे ठीक करना, मैं बैंडेज और दवाई भी ला सकता हूँ, लेकिन अगर टोनी ने यहाँ पर देख लिया उसके बैंडेज लगी पड़ी है तो मुझे जान से मार देगा, इसलिए तुम बस थोड़ी देर का वेट करो, सूरज बस ढलने ही वाला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। कोई बात नहीं शिनचैन बेटा, भले मुझे यहाँ पर अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अरे हाँ यार आपने तो कहा था आप हमें माइकल भैया की गली जोगी, आप कहाँ पर लिया है? हाँ आप ये कहाँ पर लिया हम लोगों को? अरे अरे मैं एकदम सही जगह लाया हूँ, माइकल ने नया घर खरीदा है ना। नया घर? हाँ नया घर खरीदा है। अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलते अंदर। अरे नहीं नहीं बेटा अभी नहीं चलते, थोड़ी देर में चलेंगे। पर क्यों अभी क्यों नहीं? बेटा क्योंकि अभी वहाँ पर माइकल भैया सो रहे हैं तुम्हारे, हम कल लेकर आएंगे तुम्हें यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है सो रहे हैं, लेकिन फ्रैंकलिन भैया? अरे मैं उन्हें खबर पहुंचा दूंगा जैसी वो रात को पार्टी करेंगे ना, जब वो अपने काम के लिए पार्टी करते हैं थोड़ी बहुत। हाँ मैं समझ गई, दारू वाली। हाँ वही वाली पार्टी पार्टी, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन कल हम फ्रैंकलिन भैया को ढूंढ लेंगे ना। हाँ बिल्कुल ढूंढ लोगे बिल्कुल ढूंढ लोगे। चलो चलो रात का टाइम हो चुका है, ये सही टाइम है फ्रैंकलिन और शिनचैन को यहाँ से भगाने का। शिनचैन बेटा तैयार हो तुम? बॉडीगार्ड अंकल मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर टोनी भैया जाग गए होंगे। एक सेकंड बेटा मेरे साथ आओ, पहले उसे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है भैया ठीक है। बेटा ध्यान रखना कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है बॉडीगार्ड अंकल। अरे अभी तुमने भैया बोला था मुझे, तुम भैया बुला सकते हो। ठीक है भैया थैंक यू सो मच, आप हमारी जान बचा रहे हो। बेटा मैं ये सब नहीं करता अगर मुझे सबक नहीं मिलता सही टाइम पर, तो वो तो टोनी का असली चेहरा मैंने देख लिया था। चलो बेटा मैं आता हूँ अभी। अरे मैं भी आ रहा हूँ अंकल। ठीक है बेटा आराम से वो यहीं पर है। कहाँ पर है? बेटा एकदम चुप हो जाओ, बोलो मत ज्यादा। ठीक है अंकल ठीक है। गाइस यहाँ से आराम से जाता हूँ, बस ये उठाना हो बस यहाँ पर बैठ जाता हूँ, देखते हैं यहाँ पर टोनी सो रहा है ना। अरे यार वो सो रहे लगता है। शिनचैन बेटा एकदम चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। ओके ये सो रहा है, यानी फ्रैंकलिन को मैं यहाँ से भगा सकता हूँ। जल्दी से आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। ठीक है टोनी भैया आ रहा हूँ मैं। जल्दी से चलते हैं फ्रैंकलिन के पास, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम दोनों भाग जाना और यहाँ से हॉस्पिटल जाना सीधा। ठीक है भैया ठीक है। और मैंने तुम लोग के लिए गाड़ी भी तैयार कर चुकी है। क्या बात कर रहे हो सही में? हाँ बेटा हाँ, लेकिन मैं नहीं चला सकता उसे। अरे चला तो मैं भी नहीं सकता यार। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है भैया। बेटा कहाँ रह गए, जल्दी आ जाओ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा हो रहा है। बेटा इधर हूँ मैं, इधर। ठीक है बॉडीगार्ड अंकल आ रहा हूँ। लो बेटा इधर आ जाओ सीढ़ियों पे। ठीक है चलो अंकल चलो। चलो यार जल्दी जाते हैं फ्रैंकलिन को बचा कर लाते, उसे जल्दी से यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना यार वो यहाँ पर मर जाएगा। वो मर जाएंगे क्या? हाँ बेटा अगर हमने देरी कर दी तो वो यहाँ पर मर जाएगा। अरे यार रुको मेरे लिए रुको। ठीक है बेटा रुका हुआ, जल्दी आओ, आ जाओ शिनचैन बेटा। हाँ चलो बॉडीगार्ड अंकल जल्दी चलो। ठीक है बेटा मैं तो चलता हूँ, तुम ही रुक जाते हो। ये मैं नहीं रुकूंगा, चलो। यार आप लोग देख सकते हो गाइस, हम लोग फ्रैंकलिन की आज जान बचा लेंगे पूरी तरह से। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। हाँ चलो भैया चलो। यहाँ पर फ्रैंकलिन होगा शायद। शायद नहीं बॉडीगार्ड अंकल यहीं पर होंगे। ये रहा फ्रैंकलिन, कैसे हो तुम? अरे तुम लोग आ गए। हाँ भैया हम लोग आ गए। शिनचैन भाई तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। तुम लोग चिंता मत करो, बात करने का टाइम नहीं है, रात हो चुकी है और टोनी यहाँ पर सो रहा है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। अरे पर यार मारा क्या, तुम्हें तो मार डालेगा। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी जान दे दूंगा तुम लोगों के लिए, तुम लोग मेरी वजह से यहाँ पर हो। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वजह से? हाँ वो जो तुम्हारे सर पे डंडा पड़ा था मैंने ही मारा था। क्या तुमने मारा था वो? अरे भैया मैंने बताया तो था। अच्छा तो शिनचैन तू इसके बारे में बोल रहा था? हाँ भैया। मुझे माफ करना फ्रैंकलिन, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से भेज कर ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। क्या बात कर रहे हो, सच में तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाओगे? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। आप लोग देख सकते हो यानी कि अच्छाई अभी भी है इस दुनिया में। गाइस प्लीज यार इस बंदे के लिए एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये बहुत ज्यादा सुधर चुका है लगता है। हाँ मैं पूरी तरह सुधर चुका हूँ फ्रैंकलिन, मेरी बात का यकीन करो, अभी बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से जल्दी चलो।
तुम्हारे लिए गाड़ी का भी इंतजाम हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं उठता हूँ जल्दी से। गाइस यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ना मेरी वजह से हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फ्रैंकलिन भाई कितनी बुरी हालत हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। चलो यार अब तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन मेरे वजह से उन बॉडीगार्ड अंकल की जान जाएगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, मेरे वजह से इतना सब कुछ हो गया। देखो फ्रैंकलिन भाई की हालत कितनी ज्यादा खराब है, हम लोग गाड़ी चला के कैसे ले जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार क्या करें अब हम लोग। देखो फ्रैंकलिन भाई कितने ज्यादा मासूम लग रहे हैं यार, इन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैंने इन्हें क्यों छोड़ा था? गाइस आप लोग को जो सजा देनी है ना आप लोग मुझे देना सजा, किसी और को नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा बुरा बच्चा हूँ। गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत बुरा बोल सकते हो, गाइस बता दो कि मैं अच्छा हूँ या फिर बहुत गंदा हूँ, लेकिन गाइस मैंने सबक सीख लिया है, मैं आज के बाद कभी फ्रैंकलिन भाई को तंग नहीं करूंगा और उनसे कभी भी फालतू नहीं बोलूंगा। देखो यार फ्रैंकलिन भाई कितने ज्यादा मासूम लग रहे हैं मेरे प्यारे भैया, कैसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, गाड़ी कैसे चला के ले जाऊंगा यार। फ्रैंकलिन आ जा जल्दी से। हाँ मैं आता हूँ, चलो चलो चलो। अरे शिंचन बेटा मैं यहाँ पर हूँ, फ्रैंकलिन कहाँ रह गया, जल्दी से आ जाओ तुम दोनों के दोनों, चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। अरे मुझसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल। अरे यार ये फ्रैंकलिन भाई इधर आ जाए, इधर हूँ मैं। अरे चलो चलो चलो, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल पाओगे चल पाओगे। अरे फ्रैंकलिन भाई आपकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। अरे कोई बात नहीं शिंचन बेटा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो 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 आराम आराम से चलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अरे पर किसे पता नहीं चलना चाहिए, टोनी भैया को पता नहीं चलना चाहिए यार। ठीक है शिंचन भाई एक काम करते हैं, यहीं से जंप मार लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन तेरे लगी पड़ी, अगर तू यहाँ से जंप मारेगा तेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। अरे नहीं टूटेगी लेकिन, जल्दी चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो मेरे पीछे पीछे आओ आराम आराम से। हाँ चलो भैया चलो। अरे फ्रैंकलिन कहाँ रह गया? अरे मुझसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मेरी कोई हेल्प करो। अच्छा अच्छा आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, तुम तो दूसरी जगह जा रहे हो। फ्रैंकलिन मैं इस साइड हूँ यार। अरे फ्रैंकलिन भैया इधर आ जाओ यार। फ्रैंकलिन इस साइड चलो। हाँ चलो चलो चलो, फाइनली यार किसी ने रास्ता दिखाया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा इतने अंधेरे में। कोई बात नहीं सब दिखाई देगा थोड़ी देर में, आ जाओ मेरे साथ आओ जल्दी से नीचे पहुंचते हैं। हाँ चलो भैया चलो। फ्रैंकलिन आराम से आना, तुम कहीं गिर ना जाओ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, आप चलो यहाँ से। हाँ चलो यार चलो। एक सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता, कोई बॉडीगार्ड तो नहीं खड़ा ना। ठीक है आपकी मर्जी, आपको जो देखना है देख सकते हो आप। ठीक है जल्दी से आ जाओ, आ जाओ शिंचन बेटा। हाँ मैं तो आ रहा हूँ धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं। कार कहाँ पर है? तुम चला पाओगे कार को? हाँ मैं कोशिश करूंगा पूरी यहाँ से निकलने की चलाकर। यार भैया यार थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि मुझे आती नहीं है। कोई बात नहीं शिंचन बेटा चिंता मत करो, ये रही सामने कार, देख सकते हो तुम लोग। बैठो और आराम से जाओ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बॉडीगार्ड भैया हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। ठीक है मैं चलाता हूँ गाड़ी। जल्दी से यहाँ पर गेट खोल देता हूँ जिससे इन लोगों को दिक्कत ना हो निकलने में। चलो गेट तो खुल चुका है, जल्दी से आ जाओ बस अब ये लोग कार को लेकर। शिंचन भाई तो ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मेरी चिंता मत कर भाई मैं ठीक हूँ, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। हाँ भैया जल्दी चलो यार, यहाँ पर नहीं रहना हमें। ठीक है भाई ठीक है, जल्दी से बैठ कार के अंदर। ठीक है भैया। चलो फाइनली ये लोग यहाँ से गए, चलो कुछ अच्छा काम तो किया मैंने अपनी लाइफ में। अब अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि सुबह हो चुकी है, टोनी उठता ही होगा और वो सबसे पहले शिंचन को देखना चाहता है हमेशा की तरह। लेकिन यार अब क्या होगा मेरा पता नहीं, मुझे जल्दी चलते हैं टोनी के पास और देखते हैं वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. तो मुझे तो लगता है वो मुझे मार डालेगा, लेकिन उसे बताएगा कौन, क्योंकि मैंने भेजा है। मैं तो बोल दूंगा कि मैं सो रहा था उसके पास ही, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। ये देखो अभी तक सो रहा है, इसने मुझे मारने की धमकी दी थी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे मैं उठाता हूँ। अरे टोनी बॉस, टोनी बॉस, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बॉस बॉस बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ बता? अरे वो शिंगचैन है ना, शिंगचैन। क्या हुआ शिंगचैन को? अरे वो शिंगचैन और फ्रैंकलिन यहाँ से जा चुके हैं। क्या क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे बॉस यार सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे यार तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने उन्हें जाने दिया? अरे बॉस मैं तो आपके साथ था ना, क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ ना। अरे मैंने तो शिंगचैन का बॉडीगार्ड बनाया था। अरे बॉस अब क्या करें? अरे कुछ सोचने दे, सोचने दे मुझे। चलो फाइनली सब पता नहीं चला कि ये सब मैंने करवाया है, वरना मुझे मार डालते हैं यहाँ पर। चलो अब अच्छा खासा फ्रैंकलिन और शिंगचैन अपने घर पे पहुंच चुके होंगे। अरे सुन मेरी बात। हाँ बॉस बोलो। कहाँ गए वो लोग, जल्दी बता। बॉस मतलब क्या है आपका? अरे मतलब तू बाहर चल जरा। ठीक है बॉस, चलो बताओ इस वाली जगह से चलें, उधर से यहीं से आ जाओ, चल चल चल। ठीक है बॉस चलता हूँ मैं। पता नहीं बॉस को क्या पता चल गया, समझ नहीं आ रहा, कहीं मुझे मार ना डाले अब। तो मेरी बात सुन। हाँ बॉस बोलो। तुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर हैं? नहीं बॉस मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ था रात भर। पर मैं रात को जब पानी मुझे पीना था, जब मैं तुझे आवाज लगा रहा, तू तो यहाँ पर था ही नहीं। अरे बॉस मैं उस टाइम वॉशरूम चले गया था। अच्छा अच्छा चल ठीक है, अब क्या करे, सोच जरा। अरे बॉस क्या सोचूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे एक मिनट रुक जा, जरा किसी का फोन है, फोन पे बात कर लूं मैं। ठीक है बॉस, कर लो आराम से कर लो। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। किसका कॉल आया, जल्दी से बात करके देखता हूँ मैं किसका फोन है। हेलो क्या बात कर रहे हो, अरे वाह क्या न्यूज दी है, जल्दी से लेकर आ जाओ उन दोनों को यहाँ पर। अरे क्या हो गया बॉस, क्या हो गया? अरे यार वो शिंगचैन के जो भाई बहन है ना, पिंचन और रिमावारी। हाँ बॉस हाँ। वो माइकल और ट्रेवर को ढूंढने के लिए गए थे, तो बीच पे उन्हें हमारा आदमी मिल गया, और वो उन दोनों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। अरे क्या बॉस कैसी बात कर रहे हो? एक सेकंड, तुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अरे नहीं नहीं बॉस मैं तो ऐसे बोल रहा था। एक सेकंड रुक जा, सच बोल, क्यों बोल रहा था तू? अरे नहीं बॉस मैं तो ऐसे बोल रहा था। चल ठीक है ऐसे बोल रहा था, तो अब हिमावारी और पिंचन से हम लोग ब्लैकमेल करेंगे फ्रैंकलिन और शिंगचैन को, और शिंगचैन को अपने तरफ ले लेंगे हम लोग। वाह मजा आएगा अब तो। अरे लगता है मुझे फ्रैंकलिन और शिंगचैन को सब बताना पड़ेगा, जल्दी से फोन करता हूँ। अरे 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 बॉस बॉस सुनो। हाँ बोल मेरे पालतू कुत्ते। अरे बॉस मैं एक बार घर पे फोन करिया हूँ। हाँ क्यों नहीं कर लिया, फोन करिया। ठीक है बॉस मैं जाता हूँ जल्दी से। अब जल्दी से ना फ्रैंकलिन को फोन मिला देता हूँ मैं जल्दी से, इससे सब कुछ पता चल जाए। अब फोन मिला दो फ्रैंकलिन को। अरे फोन क्यों नहीं लगता है ये फ्रैंकलिन का, क्या हो गया? ऐसे सही तरीके से पहुंच गया ना घर या नहीं पहुंचा, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसको सब कुछ बताना पड़ेगा लगता है। अरे बॉस बॉस। अरे हाँ बोल क्या हो गया? अरे बॉस आपको नहीं पता, जब आप रात को सो रहे थे ना, तो आपका जो पालतू कुत्ता है ना, उसने शिंगचैन और फ्रैंकलिन को यहाँ से भगा दिया। क्या क्या बात कर रहा है? हाँ बॉस मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। देखा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाओ, लेकिन आपने तो चुना किसी और को। क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस ऐसा ही है, ये देखो मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, ये देखो। क्या बात कर रहा है, ये तो गया मेरे हाथों से। गाइस एक काम करो, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो फ्रैंकलिन को कि हिमावारी और पिंचन की जान खतरे में है। गाइस जल्दी कर दो यार, वो लोग फोन नहीं उठा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गाइस जल्दी से उन्हें कमेंट बॉक्स में आगाह कर दो कि टोनी ने हिमावारी और पिंचन को किडनैप कर लिया है। गाइस जल्दी से कर दो कमेंट बॉक्स में, और बता दो फ्रैंकलिन को कि आप लोग उसके साथ हो। गाइस जल्दी से करो, और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपना नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, जिससे फ्रैंकलिन को पता चल जाएगा उसके साथ साथ कौन कौन है। जल्दी से करो, जल्दी करो। ये फोन क्यों नहीं उठाते, एक काम करता हूं इसे मैसेज कर देता हूं मैं फ्रैंकलिन को सब कुछ। जल्दी से यहां से निकलते और देखते क्या हाल चाल चल रहा है वहां का, बॉस को पता चला या फिर नहीं पता चला, देखते चल गए। अरे एक सेकंड सुन तो ले मेरी बात। अरे एक सेकंड ये तो बॉस की आवाज है, बॉस कहां पर है? अरे अपने पीछे देखना कहां पर हूं मैं। अरे 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 बॉस 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 बॉस। हां बोलो बॉस, मेरी घर में बात हो चुकी है, मैंने बता दिया है उन्हें। क्या बता दिया तूने? मैंने तो कुछ कहा नहीं था बताने के लिए। अरे बॉस मेरा मतलब मैंने मतलब उन्हें बता दिया कि मैं ठीक हूं यहां पर। अच्छा अच्छा तूने बता दिया? हां बॉस हां मैंने बता दिया। फिर तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे बताना नहीं चाहिए था।
अरे अरे बॉस बॉस ये क्या कर रहे हो बॉस? बॉस वही करेगा अब तेरे साथ जो तूने बॉस के साथ करा। अरे बॉस बॉस मुझे माफ कर दो बॉस, प्लीज मुझे मारो मत। माफ कर दो, तूने तो कुछ गलती ही नहीं करी है। अरे नहीं नहीं बॉस 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 मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, प्लीज मुझे समझा दो, प्लीज मुझे मारो मत बॉस। तेरा बहुत देर से ड्रामा हो चुका है, तू तो गया बेटा अब। ये तो मैंने अपना पालतू कुत्ता समझा था लेकिन तू मेरे सी दगा करने लगा, चल अब तैयार हो जा। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. यार बहन सही कह रही है यार, अगले दिन हो चुके, चलो अंदर चलते हैं। अरे गाइस आप लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हम माइकल भैया से बात कर सके। हाँ यार गाइस जल्दी से करो यार, जल्दी करो। जा बेटा चलो, अगला दिन हो चुका है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो चलो। अरे वाह यार माइकल भैया से मिलेंगे, मजा आ गया, कितना बड़ा घर लिया उन्होंने। हाँ वही तो, कितना ज्यादा बड़ा घर है। चलो चलते हैं, जल्दी से देखते हैं माइकल भैया कहाँ पर है। माइकल भैया कहाँ पर है? अरे बेटा आते होंगे माइकल भैया तुम्हारे, ये देखो सामने आए गए बस तुम्हारे माइकल भैया। अरे मुझे भी देखना यार। अरे ये तो टोनी भैया है। हाँ ये तो टोनी भैया है। गाइस हमें बचाओ जल्दी से प्लीज, फ्रैंकलिन भैया को बता दो कमेंट बॉक्स में। गाइस जल्दी से कमेंट में पार्ट 7 लिखो, जल्दी करो जिससे फ्रैंकलिन भैया को पता चल जाए, जल्दी करो वरना टोनी भैया हमें मार देंगे।